एक किचन प्लेटफॉर्म ये है जो पूरा सीधा सीधा बनाया हुआ है, जिसको दोनों साइड से वॉल है इसमें, और इसका पूरा सीलिंग टच तक ही टाइल लगा रखा है। चौड़ाई इसकी 2.5 फुट है, 30 इंच चौड़ाई इसकी कंप्लीट। और यहाँ पे कॉर्नर में इसमें स्टील सिंक आ गया है, यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टील सिंक का पॉइंट आ गया है यहाँ पे, जो 21-18 या 24-18 या 16-18 जो अपने को अच्छा लगा हो वो साइज का ले सकते हैं यहाँ पे। और सामने से इसमें देख सकते हैं अभी 2 इंच की रेडीमेड जो टाइल्स की पट्टी आती है वो लगाई हुई है इसके अंदर। इसमें और भी अलग अलग डिजाइन की पट्टी आती है वो ले सकते हैं। सिंगल मोल्डिंग में फिटिंग की हुई है कंप्लीट, जो 2 फुट की रेडीमेड आती है वो लगाई की है, और ऊपर से इसको 1.5 इंच की पट्टी लगा रखी है यहाँ पे। अभी इसके ऊपर काम चालू है तो थोड़ा सा सीमेंट का माल पड़ा हुआ है, इसीलिए क्लियर दिख रहा नहीं। ये भी वही ब्लैक बल जो ग्रेनाइट आता है वो ग्रेनाइट ही है इसके अंदर, पूरा 4 इंच का पट्टी लेके पूरा फिटिंग किया हुआ है इसके अंदर। कॉर्नर में इसमें यहाँ पे सिलेंडर का जगह छोड़ रखा है, और ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं इसका होल निकाल रखा है कंप्लीट, ये यहाँ पे होल निकाल रखा है पूरा इसका। और इसको 2 सूट से एम्बर मार के बाद में टाइल फिटिंग की हुई है, देख सकते हैं 2 सूट का चैम्बर यहाँ पे। 18 mm जो थिकनेस की ग्रेनाइट की आती है वो ग्रेनाइट है, या 40 mm 18 mm अलग अलग थिकनेस आती है इसकी ग्रेनाइट की। और ये वॉल की टाइल्स इसमें भी सेम वैसा ही 5x3 का ही विंडो है, ये ग्रिल का भी डिजाइन देख सकते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर पूरा प्लेन टाइल लगा रखा है, सिर्फ इसमें विंडो के ऊपर 3 हाईलाइटर ले रखे हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं 3 हाईलाइटर हैं इसमें पूरे, एक ही लाइन के अंदर ले लिए अल्टरनेट जैसे, एक छोड़ के एक ले लिए इसमें, जो 3 टाइल के अंदर फिटिंग किया हुआ पूरा ही, और यू सेप में पूरा फिटिंग किया हुआ इसको टाइल्स। ऐसा सीधा सिंपल किचन ओटा बनाते हैं अपन तो इसका 500 रुपये रनिंग फुट से चार्ज लगता है। ऐसा अगर किचन ओटा बनाते हैं अपन तो 500 से 600 रुपये रनिंग फुट चार्ज लगता है, और अलग अलग प्राइस रहती है जैसे फिटिंग करने वाले के ऊपर है क्या चार्ज लेता है उसके हिसाब से रहता है। विंडो में सिलिंगल मोल्डिंग के हिसाब से फिटिंग किया हुआ पूरा, जिसका फिटिंग प्राइस और मोल्डिंग प्राइस 100 रुपये रनिंग फुट चार्ज रहता है। ऊपर जो टाइल देख रहे हैं ये टाइल्स का 15 से 18 रुपये चार्ज रहता है जो फिटिंग करने का। और किचन प्लेटफॉर्म का जो मैंने बताया आपको 500 से 600 रुपये, और इसका जो ग्रेनाइट का प्राइस है वो है 150 रुपये से 100 रुपये के आसपास इसका प्राइस रहता है, जिसमें यहाँ स्टील सिंक बेसिंग आ गया और इधर यहाँ सिकड़ी आ जाएंगी, और कॉर्नर में इसमें सिलेंडर का पाइप का होल छोड़ रखा है, वहाँ सिलेंडर आ जाएगा, बीच में यहाँ पे 2 आड़ी सेल्फ लगा सकते हैं कड़ापे के बीच में। ये तरीके से एक सिंपल सा किचन ओटा बताया मैंने आपको इंडियन। और भी बहुत सी किचन की वीडियो हैं जो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में। इनकी फ़ोटो चाहिए तो आप गूगल मैप पे राम कॉन्ट्रैक्टिंग सर्च कीजिए और फोटो ले सकते हैं वहाँ से आप पूरी। एल शेप में, यू शेप में या सीधा ऐसे किचन ओटे के बहुत सी वीडियो हैं जो देख सकते हैं आप भी। और ऐसे सीलिंग टच तक अगर टाइल लगाते हैं तो लाइफ टाइम कभी भी इसको पेंट करने का आपको मेंटेनेंस रहेगा नहीं कभी भी। तो कभी भी सीलिंग टच तक ही टाइल लगाए, अगर फर्नीचर बना रहे हैं आप या फर्नीचर नहीं बना रहे तो इसको पूरा सीलिंग टच तक ही टाइल लगाए, जिससे इसका मेंटेनेंस कम हो जाता है टाइल्स के ऊपर जो पेंट करते हैं वो पेंट का। ऊपर लाइट के पॉइंट्स हो रखे हैं इसमें 2-3, और इसके अंदर एक वेंटिलेटर भी छोड़ सकते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट पैन लगा सकते हैं, जिससे इसकी जो गैस की जो अंदर की जो हवा रहती है वो बाहर पास कर सके। वो